जो आप लोगों ने हम तीनों के लिए किया है ना, जो एक माँ बाप करते हैं, उसके मुकाबले तो एक कुछ नहीं है, पर कुछ लाया हूँ। निकल भी रहा है वो। तो ये यूट्यूब से कमाया मैंने। कैसे हो सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मेरे साथ है मेरा भाई और हम अभी हैं HDFC के ATM के पास। तो हमारी जो YouTube से फर्स्ट इनकम आ चुकी है, जो कि आप लोगों के प्यार की वजह से पॉसिबल हुआ है, थैंक्स टू यू। ये अमाउंट काफी ज्यादा है, मेरी इतनी एज नहीं हुई कि इतना बड़ा अमाउंट मैं खुद से हैंडल कर सकूं। तो पिछले एक ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैं ये सारा अमाउंट अपने घर पे दूंगा, ये सच में एक प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए। तो आज हम 1 लाख कैश विड्रॉ करेंगे हमारे ATM से, और बाकी का जो अमाउंट है वो मैं उन्हें ऑनलाइन ट्रांसैक्शन करूंगा। तो देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन होता है। सबसे ज्यादा मेरे को जो एक्साइटमेंट है वो मेरे पापा का रिएक्शन देखने में। आई होप वो प्राउड फील करें अपने बेटे पे। मैं आज एक काफी बड़ा अमाउंट निकालने जा रहा हूँ, जिसके लिए चेक बुक लगती है, पर मेरी जो चेक बुक है वो मंडी में रह गई। तो हम यूज करेंगे सिर्फ ATM। अभी हम बैंक गए थे इसकी लिमिट बढ़ाने के लिए, और इसकी लिमिट अभी 1 लाख कर चुके हैं हम। तो हम डायरेक्ट काम शुरू करते हैं, उसके बाद जैसे कैश निकलेगा हम निकल जाएंगे घर की ओर। और वीडियो बहुत फन होने वाली, तो वीडियो में बने रहना। ये गाइस थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ेगा। तो हमारे साथ हमारे भाई भी आए हैं। ऐसे ATM से पैसे निकाले जाते हैं, मैं इसको सिखा रहा हूँ दोस्तों कि कैसे इस ATM से पैसे निकाले जाते हैं। मेरे को आते हैं पैसे निकालने भाई, बहुत बार निकाल चुका हूँ, पर इतना बड़ा अमाउंट मैंने आज तक कभी नहीं निकाला अपने अकाउंट से। तो आई एम फीलिंग रियली वेरी एक्साइटेड। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरे पापा का रिएक्शन देखना चाहता हूँ मैं जब मैं उनको ये कैश दूंगा। सो लेट्स सी। पहली बार मैंने ATM से इतना कैश निकाला और मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा है हाथ में। तो दोस्तों ATM से पैसे विड्रॉ करके निकल गए हम। अब कुछ सामान लेके थोड़ा सा फिर निकलेंगे हम घर के पास। देखो दोस्तों इस एरिया के हालात दिखाता हूँ तुम्हारे को। यहाँ पे कभी मार्केट हुआ करता था, जो जगह अभी दिखाने जा रहा हूँ ना तुम लोगों को, वहाँ कभी मार्केट हुआ करता था। यहाँ से वहाँ तक दुकानें ही दुकानें थी, बहुत बड़ी मार्केट थी, सारा ढह चुका है। और अभी हम इस ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से देखो इस रास्ते से हमें वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ कुछ सामान लेना है। यहाँ तो देखो दोस्तों तबाही देखो किस हद तक की हुई है यहाँ। बस दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा सामान लेना है भाई को, फिर चलते हैं और अब मैं सीधे मिलता हूँ आपसे घर पे। तो दोस्तों रात हो चुकी है और अभी मैं घर पहुंचा हूँ। अब देख सकते हैं पहले हम चलते हैं ऊपर, ये बैग रख देता हूँ पहले। यार बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ा, जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे रोड्स की थोड़ी तंगी है। तो अभी जो है मम्मी पापा शायद किचन में होंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी आए हैं। और दोस्तों एक और चीज, मैंने ब्लॉगिंग के लिए एक नया फोन लिया है, जो कि घर वाले अभी देखेंगे, उसमें उनका रिएक्शन क्या होगा वो भी देखते हैं। तो चलो पहले किचन चलते हैं। Here we go. हाँ जी हेलो, नया फोन आ गया है, मुबारक हो देखो हैं। थैंक यू। नया फोन लेके आया फिर है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, लाइट नहीं है क्या ऑन? यहाँ लाइट इतनी है, लाइट इतनी रखी है। तो कैसा लगा मुझे फोन? अच्छा है ना? अच्छा है। आप लोगों के लिए भी लाया मैं कुछ, मम्मी आप पापा जी और मम्मी जी के लिए। तो वो थोड़ी देर में देंगे इनको। पापा जी कहाँ हैं? परे। तो अभी ऐसा अभी मेरे को भूख आ रही है, कुछ खाने को अभी बनाने को है, सब कुछ बनाने को मैं कर रही हूँ। गेट गैस का मेरे से नहीं हो रहा चूल्हे पे। रोड्स का आपको पता है कि रोड्स नहीं है, तो हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था, गैस सिलेंडर LPG वाला। तो मम्मी 2-3 दिन से बना रहे थे खाना, इसको तंदूर कहते हैं, इसमें अंदर लकड़ियां डालकर उसको उनको जलाते हैं और इस पे खाना बना रहे थे मम्मी। इस पे खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो मम्मी वेट कर रहे थे कि हम कब आएंगे, हम पैदल चल के आए और पैदल ही LPG गैस सिलेंडर उठा के लाए मैं और मेरा भाई। तो अभी पापा के आने का वेट करते हैं, फिर करेंगे वो काम जो बताया था मैंने आप लोगों को। मेरा दोस्तों फोन चार्जर वगैरह सब कुछ। आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी था यार, मैं मतलब पूरी तरह थक गया हूँ और मेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तो मम्मी अभी बाहर जा चुके हैं, फिर क्या करें अभी चलते हैं। तो अब हमने डिसाइड किया है जो काम हम इस ब्लॉग में करने वाले हैं उस अपने उस मिशन को अंजाम देंगे। तो हियर वी गो। सच बोल रहा हूँ मतलब कुछ हो रही है, नर्वसनेस है, पता नहीं क्या है, पर जो भी है
अच्छा लग रहा है। क्या ला इसने संजय नहीं देखते जरा ये मेरे मामा जी हैं, करण मामा जी। हेलो बोल। ये मेरे मामा जी हैं, दोनों मेरे मामा जी हैं। मेरे जो गांव है ना शामगढ़, बहुत फेमस टूरिज्म प्लेस है, आप लोग सर्च करना, और वहाँ पे इनके घर हैं। मेरा विलेज है वो, तो मेरे विलेज से ही हैं, दोनों मेरे मामा हैं, और आज हमारे घर पे आए हैं। तो ऐसा है, जो आप लोगों ने हम तीनों के लिए किया है ना, जो एक माँ बाप करते हैं, तो उसके मुकाबले तो एक कुछ नहीं है, बस कुछ लाया हूँ। क्या लाया देना है सर? निकल भी रहा है वो। यूट्यूब से बहुत तरक्की करे और बहुत आगे जाए, नाम रोशन किया हमारा, किया वेरी गुड। चंद शब्द कहेंगे पापा जी इस उपलक्ष में? मैं इतना खुश, बेटे की पहली कमाई है, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। और मेरा बेटा बहुत आगे जाए, और आपको एंटरटेन करता रहे, और आप खुश रहे, आप लोगों की बदौलत इन्होंने, इसने जो है हमारे को ये पैसा दिया, पता नहीं कितना है, आप लोगों की बदौलत हमारे को दिया। आपके बाद ऐसा कि आप ढेर सारा इसको इतना आगे, इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए। और इसका जो चैनल है दा चौहान करके, तो उसमें जो है आप सब्सक्राइब करें, कुछ बोलो भांजे को, उपलब्धि पे है, क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद। हाँ जी, हमारा तो अपने भांजे संजय के लिए बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद है। इतना अवगत करवाया लोगों को कि कैसे कैसे, मतलब आंधी तूफान आए, बाढ़ आई, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपना जो समय इस पे लगाया। हम आगे भी इनके लिए दुआ करते हैं। मैं भी, मैंने देखा कि मैक्सिमम सब लोग देख रहे हैं, बहुत ही लाइक्स कमेंट्स वगैरह काफी देखे मैंने, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बनाई वीडियो, ब्लॉग जो था इनका बहुत अच्छा रहा। आगे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप ऐसे ही इनका जो दा चौहान करके यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। नमस्कार, जय हिंद। इसको भी बोलो, इसको चल आशीर्वाद हो गए। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। कैसा लगा मुझे? एक मिनट रुक। बढ़िया लग रहा, कैसा लगा मुझे जी? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है आपको ना। ये मेरी इकलौती सपोर्टर जिसने मेरे को आज तक कभी वीडियो बनाने के लिए गालियां नहीं दी, बाकी सब ने मेरे को गालियां दी शुरुआत में। आई लव यू। बहुत आगे जाए तू, बहुत करे तू। चलो फिर खाना बनाओ, बस जल्दी जल्दी, भूख लग रही है मेरे को, खाना बनाऊंगी। थैंक यू गाइज। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए आज का, और थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पाया जो भी हो पाया। मैं सच में दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों को। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों आज का ये ब्लॉग देखने के लिए, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय।